और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से, जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। एसयूवी से आए तीन हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और ओपन फायरिंग कर दी। म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हो रहा था और इसी गोलीबारी में दो लोगों की मौत हुई है और लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीन हमलावर एसयूवी में सवार होकर आए थे। ये क्राइम सीन इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। रोहित वॉशिंगटन DC से मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस शूटआउट को लेकर क्या जानकारी रोहित? देखिए, ये जो वारदात हुई है ये कल रात को ही, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था मायामी में और वहां पे तीन लोग, जैसे कि आप बता रहे थे, तीन लोग बाहर निकले, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और उसके बाद दो लोगों की जाने जो है वो जा चुकी है और तीन लोग अभी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में है। कम से कम 20 से 25 लोगों को गोलियां लगी हैं और अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और अभी भी पुलिस इसकी जानकारी को लेकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये कॉन्सर्ट बताया जा रहा है रोहित, क्या उस वक्त ये ऑनगोइंग कॉन्सर्ट था? वहां पर कितने लोग मौजूद थे जब ये तीन हमलावर एसयूवी में पहुंचे? क्या ये कॉन्सर्ट के भीतर थे या फिर बाहर जहां कॉन्सर्ट के लिए एंट्री हो रही थी वहां पर ये लोग मौजूद थे? इन बातों को लेके क्या डिटेल्स आपके पास अभी? देखिए, ये जो शूटिंग हुई थी ये उस कॉन्सर्ट हॉल के बाहर हुई थी। ये एक लोकल टाइप का कॉन्सर्ट था जहाँ पे लोकल रैपर्स और जो लोकल म्यूजिशियंस हैं वो इस तरह का कर रहे थे। और अमेरिका में अभी एक लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, ये मेमोरियल डे लॉन्ग वीकेंड है और लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले थे, तब ये फायरिंग हुई है। और अभी तक जो विक्टिम्स हैं उनके नाम बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तीनों के तीनों जो लोग थे जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग की थी वो फरार हैं फिलहाल। उनको ढूंढने के लिए जो मेयर है वो अपील कर रही है, पुलिस जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है इसको लेके तो वो सामने आए। और जो 20 लोग बताए जा रहे हैं घायल, उन्हें लेकर क्या स्टेटस अभी रोहित मिल पाया है? तो 20 में से बताया जा रहा है तीन लोग जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और बाकियों के लेके ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन तीन लोग के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में और अगले 24 घंटे में उनकी हालत पे और हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा रोहित, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। म्यूजिक कॉन्सर्ट जिसके बाहर अंधाधुंध फायरिंग, तीन लोग एसयूवी में सवार होकर आए और फायरिंग शुरू कर दी जिसमें दो लोगों की मौत हुई है, 20 घायल बताए जा रहे हैं और इन 20 में से तीन की हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम साइट की ही, कॉन्सर्ट जहां जारी था और वहीं पर अंधाधुंध फायरिंग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।